सर्दी और गर्मी के बीच का खूबसूरत मौसम, प्यूली, बुरांश और बासिंग के पीले, लाल, सफेद फूल और बच्चों के खिले हुए चेहरे, फूल देई से यही तस्वीरें सबसे पहले जहन में आती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों का लोक पर्व है फूल देई, नए साल का, नई ऋतुओं का, नई फूलों के आने का संदेश लाने वाला ये त्योहार आज उत्तराखंड के गाँवों और कस्बों में मनाया जा रहा है। प्रकृति को आभार प्रकट करने वाला लोक पर्व है फूल देई। चैत के महीने की संक्रांति को जब ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघल जाती है, सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ बुरांश के लाल फूलों की चादर ओढ़ने लगते हैं, तब पूरे इलाके की खुशहाली के लिए फूल देई का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार आमतौर पर किशोरी लड़कियों और छोटे बच्चों का पर्व है। फूल और चावलों को गांव के घर की देहरी यानी मुख्य द्वार पर डालकर लड़कियां उस घर की खुशहाली की दुआ मांगती हैं। इस दौरान एक गाना भी गाया जाता है, फूल देई छम्मा देई जतुकेई देला उतुकेई सही दैणी द्वार भर भकार। फूल देई के दिन लड़कियां और बच्चे सुबह सुबह उठकर प्यूली, बुरांश, बासिंग और कचनार जैसे जंगली फूल इकट्ठा करते हैं। इन फूलों को रिंगाल यानी बांस जैसी दिखने वाली लकड़ी की टोकरी में सजाया जाता है। टोकरी में फूलों, पत्तों के साथ गुड़, चावल और नारियल रखकर बच्चे अपने गांव और मोहल्ले की ओर निकल जाते हैं। इन फूलों और चावलों को गांव के घर की देहरी यानी मुख्य द्वार पर डालकर लड़कियां उस घर की खुशहाली की दुआ मांगती हैं। इस दौरान एक गाना भी गाया जाता है, फूल देई छम्मा देई जतुकेई देला उतुकेई सही दैणी द्वार बर बकार।